तो दोस्तों, आज की मूवी में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो कहीं पर भी, किसी के भी साथ में, कितनों के भी साथ में, किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन में ठोकम पट्टी चालू कर देती है। और इस हवस की पुजारन का नाम है कैटरीना। अरे, हम सलमान खान की गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग कैटरीना है। मूवी की शुरुआत में हम कैटरीना को देखते हैं जो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई होती है, और उसका चेहरा देख के हमें पता चलता है कि ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ है, या तो इसका दिल टूटा होगा या फिर इसकी सील। और कैटरीना की मम्मी भी जब उसे आवाज़ लगाती है तो कैटरीना उसका रिप्लाई नहीं। आगे हम देखते हैं कि रात के समय कैटरीना क्लब में पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद वो दारू पीती है, और दारू पीने के बाद वहां पर लड़कों के साथ नैन मटक्का करने लगती है। तभी वो देखती है कि एक लौंडा भी उसे घूरे पड़ा था, और कैटरीना भी उसको मस्त रिप्लाई दे रही थी। आगे हम देखते हैं कि कैटरीना उसको बाथरूम में आने का इशारा करती है, उसके बाद वो दोनों बाथरूम में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते ही दोनों अपना पेलन कार्यक्रम चालू कर देते हैं। कभी वो उसको चूसता, कभी वो उसको चूसती, और इसी के साथ साथ वो दोनों अपना पेलन कार्यक्रम ख़त्म करते हैं और कैटरीना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैटरीना एक बुक स्टोर में पहुंचती है, और वहां पर सभी उसको गहरी निगाहों से घूरे पड़े थे, जैसे आंखों से ही उसका बलात्कार कर देंगे। और फिर कैटरीना एक बूढ़े आदमी के पास जाती है, और वो उसे लेकर कोपचे में चली जाती है। फिर वो बुड्ढा उसे चूसने और चाटना चालू कर देता है, और उसके साथ गेम बजाने लगता है। और जैसे ही बुढ़ऊ उसको पेलने के लिए कंडोम निकालते हैं, तो कैटरीना कहती है, नहीं बाबू, बिना कंडोम के पेलो, हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो बुढ़ऊ भी जज्बातों में बह जाते हैं और बिना कंडोम के ही पेलन कार्यक्रम चालू कर देते हैं। और उसके बाद जब उनका पेलन कार्यक्रम ख़त्म होता है, कैटरीना कैफ वहाँ से भी रफ्फू चक्कर हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैटरीना अपने कमरे में लेटी हुई है, क्योंकि इतनी पेलम पट्टी के बाद तो कोई भी थक जाएगा। लेकिन वो अपने कपड़े उतार के अपनी गुफा के साथ खेलना चालू कर देती है, और जब उसको चरम सुख मिल जाता है, वो फिर से अपने कपड़े पहन लेती है, और कुछ देर बाद वो निकल पड़ती है फिर से हाईवे की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद वो एक कार को हाथ दिखाती है, तभी वो कार रुक जाती है, और कैटरीना उस कार के पास जाकर बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा हो गया है ब्रेकअप, कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा हो गया है ब्रेकअप, और मैंने कई दिनों से नहीं किया है अपने गड्ढे का मेकअप। और ये बातें सुनने के बाद वो चारों लड़के भी एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर वो कैटरीना को अपनी कार में बैठा लेते हैं और एक कोपचे में पहुंच जाते हैं। वहां पर कार रोकने के बाद वो लोग देखते हैं कि कैटरीना रोड पर ही अपने कपड़े उतारने लगती है, और वो कहती है कि एक एक करके आओ और मुझे दिवाली के पटाखे की तरीके बजाओ। तभी एक लड़का आगे आता है, लेकिन उसकी पहले ही निकल जाती है, तो वो साइड हो जाता है। उसके बाद दूसरा लड़का तैयार होता है, और वो कहता है, हटो, मैं डालूँगा इसके कुएं में अपने हैंडपम्प से पानी, मैं डालूँगा इसके कुएं में अपने हैंडपम्प से पानी, अब और मत तड़पाओ रानी, आओ मेरे पास रानी। और इतना कहने के बाद ही वो लड़का कैटरीना को बजाना चालू कर देता है, वो भी बिना कंडोम के। और काफ़ी देर तक बजाने के बाद एक एक करके सभी लौंडे आते हैं और कैटरीना के गुफा में अपना हैंडपंप डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैटरीना घर जाने लगती है, लेकिन वो अपना अंडरवियर पहनती ही नहीं है। और घर पहुंचने के बाद जब उसे उसके डॉक्टर का फ़ोन आता है, तो डॉक्टर उसे कहता है, मुबारक हो कैटरीना, तुम्हें कोई भी HIV एड्स नहीं है। और ये सुनने के बाद ही कैटरीना की फटके 8 हो जाती है, क्योंकि 4 तो पहले ही हो चुकी थी। और इसी के साथ साथ हमें भी समझ में आता है कि कैटरीना आखिर
कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी पोजीशन में किसी भी फ्लेवर में किसी के भी साथ में पिलवाना काहे चालू करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे तो एड्स हो गया है लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगी, जाते जाते उन सभी ठरकी लौंडों को साथ लेकर जाऊंगी जिनको लड़कियों को पेलने का शौक होता है। लेकिन उसे अंत में पता चलता है कि उसने तो बेवजह ही अपने दिल का दरिया और पिछवाड़े का समुंदर बनवा लिया, और इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मस्ती भरी मूवी लाते रहेंगे और आपको मज़ा दिलाते रहेंगे।